चित्तौड़गढ़ हाईवे पर वृद्ध लाश मिलने से फैली सनसनी। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा हाईवे शंभूपुरा बाईपास पर सुबह एक वृद्ध की लाश मिलने से एकाएक सनसनी फैल गई। सूचना पर शंभूपुरा थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी मय जप्ता मौके पर पहुंचे। हेड कांस्टेबल दुर्गेश शर्मा ने बताया कि टेलीफोन पर सड़क के किनारे एक लाश पड़ी होने की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर लाश के पास मिले मृतक के फोन से संपर्क करने के बाद परिजनों को मौके पर बुलाया गया, जिस पर मृतक का पुत्र अबरार अहमद मौके पर पहुंचा। कन्नौज नई आबादी निवासी अबरार अहमद ने पुलिस को बताया कि पिता अब्दुल कयूम उम्र 65 वर्ष, पिता मोहम्मद नूर देवासली 3 मई को घर से उदयपुर दरगाह की बोलकर निकले थे। फिर शुक्रवार को सुबह भिलवाड़ा से उनको गाड़ी में शंभूपुरा के लिए बिठाया गया था। काफी समय तक नहीं आने पर फोन लगाए लेकिन नहीं उठाए। इधर पुलिस ने शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें सामने आया कि संभवतः इनकी मौत दुर्घटना से हुई और शव भी करीब 15 घंटे से अधिक पूर्व का बताया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत होना बताया एवं शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।